राम मंदिर मुद्दे खास करी वीएचपी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नु आयोजन करवामां आव्यु छे। सीधा त्यां जईशुं। अमेठी और रायबरेली के सांसदों से मिलने के बारे में क्या कार्यक्रम? आपने कहा था राहुल गांधी अगर सपोर्ट करेंगे तब वी हैव नॉट येट मेट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाराणसी। टू, हमारे अमेठी और रायबरेली के जिलों ने वहां के सांसदों से मिलने के लिए समय मांगा है, वह समय मिलेगा तो हम उनसे भी प्रार्थना करें। कितने सांसदों से मिल चुके हैं सर अब तक आपको? 350 से ज्यादा। सर क्या इस सर सांसदों से मिल चुके हैं? आपने कहा विश्व हिंदू परिषद अभियान चला रही, जनजागरण का आगे भी चलाएगी, मिलने तुलने का असर चाहे रामलीला मैदान का कार्यक्रम हो या सांसदों से मिलने का असर तो बेअसर दिख रहा है संसद के ऊपर। सत्र समाप्त होने वाला है, पूर्ण सत्र है ये, अब मात्र 6 दिन बचा है। पहले मेंबर प्राइवेट बिल में दो लोगों ने कहा था हम लेके आएंगे, अब तक लिस्ट नहीं हो पाया है। आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का अभियान असरकारी नहीं रह पा रहा है या फिर उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो क्या रहा है? ये सत्र 8 तारीख को पूरा होगा और फिर 28 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए ये संसद का आखिरी सत्र नहीं है। आप अगर मुझे कहें कि आप मुझे कहें पर उसमें ये आ सकता है, आप मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे हैं। आप ये कहें कि विश्व हिंदू परिषद का अभियान अभी तक बिल लाने में सफल नहीं हुआ है तो मैं मान लूंगा कि अभी तक सफल नहीं हुआ है, पर मैं उम्मीद करूंगा ये अभियान चलते रहने से इस बात की संभावनाएं हूं कि वह बिल आए। 4.5 साल में इतना समय लग गया, एक इंटरव्यू में मोदी जी ने फाइनली कुछ बोला है, इस पर क्लियर स्टैंड दिया है, आपको लगता है कि उनका मन बदलने में कितना टाइम लगेगा? मैं नहीं जानता, पर मैं पर हम अपना प्रयत्न परसुएट करने का जारी रखेंगे और उसके जो भी परिणाम होंगे 31 जनवरी को संतों से पूछेंगे कि अब इसके बाद हम क्या करें। सर क्या आप एक भी सांसद को इसके लिए तैयार नहीं कर पाए कि वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसका प्रस्ताव पास करे संसद में लाए? हमारी मांग प्राइवेट मेंबर बिल की नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल इस इशू का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी नॉट अ सिंबॉलिक एक्ट बट अ सबस्टेंटिव वन, और सबस्टेंटिव तब होगा जब सरकार बिल लेकर आएगी। इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल हम इसका रास्ता निकालना नहीं चाहते, सरकार बिल लेकर आए, आधिकारिक बिल लेकर आए। राहुल जी, बस अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नारायण गिरी जी, उनका भी बयान आया, कई साधु संतों का भी बयान आया कि ये अदालत का फैसला इसलिए सुनने के लिए हम लोग इंतजार थोड़ी कर रहे थे, हम तो चाहते थे सरकार से कि सरकार कुछ बिल लेकर के राम मंदिर बनाए। अदालत का फैसले का निर्णय का सबको पालन करना तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ना अब यही जो बयान दे दिया सर, आप लोग अभी तक अपना क्लियर स्टैंड नहीं बता पा रहे, आप फिर संतों पे डोले, संत पे ही नाराज चल रहे हैं। संत नाराज होंगे और वैसा आदेश देंगे तो वैसा करेंगे, मेरा आंसर अनइक्विवोकल है। तो जी रीते राम मंदिर मामले हवे जे अलग अलग निवेदनों सामे आवी रह्या छे, वीएचपी द्वारा प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन करवामां आव्युं अने राम मंदिर अंगे प्रधानमंत्री मोदीना निवेदन पर वीएचपीए प्रेस कॉन्फरन्स करी, वीएचपीए प्रधानमंत्री मोदीने मळवानो समय पण माग्यो।